शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। उपविभागीय अधिकारी की ओर से दिग्रस और पूसद में 31 जुलाई को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक जीवन आवश्यक सामग्री की दुकानें खोलने की सहूलियत के संदर्भ में जारी निर्णय को 30 जुलाई को अचानक रद्द किया गया। इस निर्णय को लेकर जनप्रतिनिधियों सहित नागरिक भी हैरान है। निर्णय लेकर उसे रद्द करने की हरकत से वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों के बीच समन्वय के अभाव की कमी साफ नजर आ रही है। कल तक दिग्रस शहर की आधे से ज्यादा आबादी कोरोना के इस संकट में रेड जोन में फंसी हुई थी। अभी कई इलाके इसकी जद में हैं। शहर में कंटेनमेंट जोन में सुविधाओं की कमी के साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा राशन किट वितरण में भी पूर्ण रूप से न्याय नहीं किया जा रहा है। ऐसे में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक कर्फ्यू का आदेश जिलाधिकारी द्वारा लिया जाता है, फिर 28 जुलाई को उसकी मियाद बढ़ाकर 31 जुलाई की जाती है। ऐसे में लोगों की बढ़ती शिकायतें और 1 अगस्त को बकरीद के मद्देनजर जनता की मांग और जनप्रतिनिधियों की गुजारिश पर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय से 30 और 31 जुलाई को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक किराना माल सहित जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का निर्णय लिया जाता है। इसके लिए लाउडस्पीकर पर शहर की जनता को सूचना भी जारी की जाती है। 30 जुलाई को लोग खुली दुकानों से बाजार से जीवन आवश्यक चीजें खरीद भी लेते हैं, पर उसी दिन शाम को एक सूचना पत्र जारी होता है जिसमें 31 जुलाई को खरीदारी की सहूलियत और सुविधा को रद्द करते हुए संचार बंदी जारी रखने की बात कही जाती है। प्रशासन का इस कदर बार बार करवट बदलना समझ के परे है, क्योंकि अचानक लिए गए इन फैसलों का ना तो कोई तर्क प्रशासकीय अधिकारियों ने उजागर किया है, ना ही इसका कोई तुक बनता है। इससे अगर कुछ उजागर हुआ है तो वो वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव। ऐसे में निर्णय लेकर उसे अचानक रद्द किए जाने की इस पहल पर जनप्रतिनिधियों ने भी रोष जताया है। सबसे पहले जो कल निर्णय आया उपविभागीय अधिकारी पुसद इनका, मैं उस निर्णय का एक लोक प्रतिनिधि होने के हैसियत से जाहिर निषेध करता हूँ और सम्माननीय प्रशासन और सम्माननीय SDPO साहब पुसद इनसे कहना चाहता हूँ, क्या 9 दिन के कर्फ्यू के बाद, जबकि आपने 7 दिन का कर्फ्यू डिक्लेयर किया था, उसके बाद में लोगों को विश्वास में न लेकर 3 दिन का कर्फ्यू और बढ़ाया था, फिर उसके बाद हमने जब आपसे निवेदन किए तो निवेदन देने के बाद में आपने हमारा सम्मान किया, हमने आपकी गुजारिश को सर आँखों पर लिया और आपका शुक्रिया भी अदा किया कि आपने 2 दिन की मुभा दी, ईद के सिलसिले में कहो या फिर जो 7 दिन से जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, संचार बंदी थी, उस सिलसिले में कहो। लेकिन आपने अचानक से जो आदेश दिया वो हकीकत में जनता की भावना को ठेस पहुंचाने वाला था और इससे लोगों में आक्रोश है और मैं खुद नगर सेवक होने के हैसियत से आपने जो निर्णय दिया उस निर्णय का विरोध करता हूँ और जाहिर निषेध करता हूँ। कोरोना संक्रमण के संकट से खुद का बचाव करना हर भारतीय का कर्तव्य है। इस दिशा में सभी नागरिकों को प्रशासन को सहयोग देना भी जरूरी है। दूसरी तरफ बार बार बंद या कर्फ्यू की घोषणा करने के साथ ही प्रशासन को चाहिए कि वे कंटेनमेंट इलाकों में जारी असुविधा और खाने पीने से जीवन आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में निरंतर रूप से जारी कमी को भी दूर करे, क्योंकि जनता बार बार बंद की परेशानी से त्रस्त हो गई है। जो गरीब तबके का एरिया है हमारे ये गरीब भाइयों का, तो जो सुबह को लाते शाम को कमा के खाते, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी सर। हमारा निवेदन है भाई, ये 2-1 तारीख के बाद में इसको हमेशा के लिए चालू रखा जाए और इसकी हमको कोई बात की तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि सर प्रशासन की तरफ से तो हमको कोई मदद नहीं मिल रही, लेकिन हमारा खाने के बावजूद भी हमको किराना वगैरह हर चीज़ की तकलीफ जा रही, वो मिल नहीं रहा हमको। सरकार से निवेदन है भाई हमारी कि हमको यहाँ पर हमारे पैसे से हमको लिया दिया जाए और किराना मार्केट चालू रखा जाए। कुल मिलाकर कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा बंद और तमाम तरह की पाबंदियों की सख्ती जनता के हित में जरूर है, लेकिन प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा बारंबार फैसले बदलना भी जनता को संभ्रम में डाल रहा है, जिस वजह से जनता में उलझनों का दौर जारी है, जिस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। NBC News के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।